वो क्या नजरिया रखते हैं इस समय बाजार पर और कौन से स्टॉक्स पर वो बुलिश या बेरिश हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज। कुकी, पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ। खिला खिला मजेदार दुनार दुनार बासमती, क्या खुशबू है, थोड़ा चखती थी। और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुनार है। दुनार बासमती राइस, हमारा फेवरेट दुनार बासमती। और आपका? A curve that sets everything straight. The world's first curved OLED TV. Picture perfect. It's all possible. LG OLED TV. Don't get carried away by the onslaught of advertisements about the financial performance of companies in the print and electronic media, issued in public interest by BSE. वाघ बकरी चाय पियो और सही चुनो। मनाइए रोज टी पार्टी वाघ बकरी चाय के साथ। वाघ बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। बेहतर करे औद्योगिक उत्पादन, 10 पॉइंट एजेंडा के साथ। किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में नई जान डाली जाए? मैन्युफैक्चरिंग के बिना हम रोजगार पैदा नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग की अभी सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में है स्किलिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अगर कंपैरिजन करूं, बांग्लादेश इज फार अहेड ऑफ इंडिया। हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उनकी मैनेजमेंट आपको प्राइवेट सेक्टर में देनी है तो दे दीजिए। लेबर हो या लैंड हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कठिनाइयां बढ़ाई जा रही है सरकार। इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री चलानी चाहिए फॉर ग्रोइंग द इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। जानिए कैसे बदलेगा भारत, चेंज इंडिया, an agenda for the next prime minister with Edelweiss. In waqt par CNBC Awaaz par, reported by Edelweiss. Can't we use magic to get there faster? At Hitachi, we're inspired by challenging questions. That's why, using our advanced transportation systems and information technologies, we are creating integrated solutions to help cities ease the growing pressure on their transportation networks today and tomorrow. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi, inspire the next. पलट दो बारिश का असर। वेदरकोट ऑल गार्ड एक्सटीरियर पेंट, इसमें है सिलिकॉन जो दीवारों पर पानी टिकने ना दे। बजो वेदरकोट ऑल गार्ड। और नजर डालिए ईआईएल के स्टॉक पर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसके एसपीओ को मंजूरी मिल गई और आज शाम को इसके प्राइस बैंड का ऐलान किया जाएगा। 6 फरवरी से 3 दिन के लिए इसका एसपीओ खुलेगा, लेकिन इससे ठीक पहले आप देखिए बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। सरप्राइज बात है कि लगता है कहीं कहीं बाजार ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है कि आज शाम को जो प्राइस बैंड अनाउंस होगा वो शायद मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर हो सकता है। वैसे छोटा एफपीओ मुश्किल से 500 करोड़ का, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए सरकार के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के एफपीओ को पार लगाने में। 4% की बड़ी उछाल आती हुई दिख रही है इस वक्त स्टॉक पर। लेकिन चलिए बाजार पर आगे का रुख लेते हैं। हमारे साथ प्रभुदास लेदर के ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में कमजोरी दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ, लेकिन पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है। क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप बाजार में, क्या यहाँ से भी 4-5% की और करेक्शन आना संभव है या फिर ये लेवल्स ठीक है, आप खरीद लिया जाए? देखिए, जिस तरह से बाजार में पिछले 4-5 दिनों से आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट अ वीक अभी एफआईएस का लगातार निगेटिव फिगर्स आ रहे हैं यहाँ पर,
तो उस हिसाब से लग रहा है कि शायद कि मार्केट को उस हिसाब से जो टेलविंड मिल रहा था वो अभी नहीं मिल रहा है। और ये बाजार पिछले कई सालों से, पिछले दो सालों से इफ आई एम करेक्ट, क्वाइट फॉर क्वाइट सम टाइम उसको एफआई का टेलविंड मिल रहा था। तो यही यहां पर यही देखने मिल रहा है कि जब भी एफआई का टेलविंड होता है तो ऑप्टिमिज्म रहता है, और जैसे ही एफआई का आउटफ्लो होने लगता है तो अ लॉट ऑफ पेसिमिज्म कम्स इन। हैविंग सेड दैट, ऐसा लग रहा है कि शायद यहां से एक बार एक थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाएगी, लेकिन बाजार कुछ डेफिनेट रुक लेगा ऑन एन अपसाइड ऐसा नहीं लग रहा है इमीडिएटली। मे बी समटाइम से जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, रन अप टू द इलेक्शंस शायद एक बाजार में अच्छी खासी तेजी आ जाएगी, लेकिन अभी यहां पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए। बट अदरवाइज समटाइम बाय एंड ऑफ फेब्रुवरी अर्ली मार्च वी कैन स्टिल सी एन इंडेक्स ऑफ अराउंड 5,700-800। दिलीप भाई गुड मॉर्निंग, दिस इज हेमंत। आपसे जानना चाहता हूँ टेलीकॉम सेक्टर पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि कल हमने इसमें अच्छा खासा प्रेशर देखा था, जिस तरह से काफी एग्रेसिव बोलियां लगाई जा रही हैं 8 टेलीकॉम प्लेयर्स से, और आज हम देख रहे हैं कि कुछ खरीदारी लौट कर आती हुई दिख रही है इस टेलीकॉम सेक्टर में, खासकर रिलायंस कम्युनिकेशन और आइडिया जैसे स्टॉक्स में निचले स्तरों से थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। टाटा कम्युनिकेशन भी इस समय हरे निशान में कारोबार कर रहा है। स्पेस पर आपका क्या व्यू है भारती में, लेकिन अभी भी दबाव बना हुआ है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे टेलीकॉम ऑक्शन की प्रक्रिया को? जहां तक टेलीकॉम का सवाल है और जिस तरह से एग्रेसिव बिल्डिंग हुआ है अभी, उस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि ये सब कंपनीज के कैपेक्स, द कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीज ही होने वाले हैं, और जिस तरह से अभी ओवरऑल आरपूस जो बॉटम आउट हो गए और स्लाइट इंप्रूवमेंट बता रहे हैं तो वो इतनी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो शायद आने वाले कई दिनों में, एक दो सालों में, अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनीज के निगेटिव कैश फ्लो चलेंगे। तो यहाँ पर ये सब कंपनीज के आरओएस भी काफी पुअर हो गए हैं अभी एट द मोमेंट, और एक अनलेस एंड अंटिल एनवायरमेंट इंप्रूव्स वेरी ड्रामेटिकली ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ टेलीकॉम में खास होगा। लेकिन ये एक सेक्टर ऐसा है जहां पर डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, तो शायद एक आपको डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें लेना तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन अपसाइड शायद में मुझे लग रहा है कि बहुत कैप जो रहेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से कमजोरी थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आती है तो कौन से स्टॉक्स हैं जो कमजोरी को लीड कर सकते हैं, वही रेड सेंसिटिव बैंक्स, या फिर अब गिरावट जिस तरह से आज आईटी शेयरों में शुरुआत होती हुई दिखी है, अब दूसरे स्टॉक्स भी इस कमजोरी का शिकार हो सकते हैं, कहाँ आपको ज्यादा प्रेशर अब बनता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि अभी भी क्या होगा कि वो स्टॉक्स जहां पर एफआई के इन्वेस्टमेंट काफी जबरदस्त हैं और तगड़े हैं, बिकॉज जैसे एफआई इनफ्लो आउटफ्लो होने लगेगा वो वही स्टॉक बेच पाएंगे जहां पर अच्छी लिक्विडिटी है। तो उस हिसाब से अगर आप बैंकिंग देखो कि आईटी देखो या फिर थोड़े बहुत फार्मा देखो, यही एक ये दो तीन सेक्टर है जहां पर उनका ओवरवेट है, तो ये सेक्टर में शायद दबाव काफी रहेगा अगर एफआई आउटफ्लो चालू रहेगा और इंडेक्स अगर 5,700-800 की तरफ आता है तो। चलिए धन्यवाद दिलीप आपका, आपने समय निकाला सीएनबीसी आवाज पर आए और अपनी राय हमसे शेयर करिए। आज हम देख रहे हैं कुछ डिफेंसेस में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और सीमेंट शेयरों में अच्छी खरीदारी हो रही है, अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो भारतीय बाजार ने ग्लोबल मार्केट्स के कमजोर संकेतों के साथ की है शुरुआत कमजोर, लेकिन अब दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं 5,950 के आसपास निफ्टी पर, तो कमजोरी है पैनिक नहीं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज आईपीएल। नमस्कार, एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज इंडिया न्यू स्टॉक एक्सचेंज प्रेजेंट्स पहला सौदा इन एसोसिएशन विद आरपी संजीव गोयल।